वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब, वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर वन, रोमन न्यूमरल्स पार्ट वन इन इंग्लिश इन मैक्स टेक्स्ट बुक। बच्चों, आज हम मैक्स टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, हमारे लेसन नंबर जो वन रोमन न्यूमरल्स। अगर इस चैनल पे आप नए हो, भी फिफ्थ स्टैंडर्ड में, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम मैक्स टेक्स्ट बुक में क्लास फाइव में लेसन नंबर वन रोमन न्यूमरल्स पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन अवर लेसन। गीता, दिस क्लॉक डज नॉट हैव नंबर्स, इट हैज सम सिंबल इंस्टेड। चिल्ड्रन, यहाँ पे आप क्लॉक का पिक्चर देख सकते हो, जैसे हमारी जो क्लॉक होती है, हाँ, हमारे घर में होती है ना, जो वॉल पे लगी होती है, तो जिसमें देखो 1 to 12 नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे गीता टीचर्स को, हाँ, यहाँ पे गीता के पास क्या है, क्लॉक है। मतलब गीता क्लॉक को क्या, गीता मतलब टीचर्स गीता को क्या पूछती है कि मतलब गीता टीचर्स को क्या पूछती है कि ये जो क्लॉक है, ये क्लॉक में कोई नंबर्स नहीं है, जैसे हमारे जो इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं ना, 1 to 100 तक नंबर्स होते हैं, इसमें सिर्फ सिंबल दिए हैं। तो यहाँ पे टीचर क्या रिप्लाई देती है गीता को, यस गीता, दीज आर रोमन न्यूमरल्स इन यूरोप इन द ओल्डन टाइम्स, रोमन कैपिटल लेटर्स वर यूज टू राइट नंबर्स। अभी यहाँ पे टीचर्स गीता को, अभी गीता टीचर्स को क्या सवाल करती, क्वेश्चन करती कि हमारे जो क्लॉक है उसमें, इसमें ये कैसे नंबर्स हैं, मतलब इसमें कोई नंबर्स नहीं दिए गए, इसमें सिर्फ सिम्बॉल्स दिए गए। तो टीचर क्या बता बोलती है, गीता को क्या जवाब देती है कि ये न्यूमरल्स नंबर्स है, ये रोमन न्यूमरल्स है। रोमन न्यूमरल्स कैसे होते हैं, मतलब यूरोप के टाइम पे, जब यूरोप में पुराने ज़माने में रोमन कैपिटल लेटर वॉर यूज टू राइट नंबर्स, मतलब रोमन कैपिटल्स का लेटर का इस्तेमाल करते थे नंबर के फॉर्म में बनाने के लिए। डेट इज़ वाई दे वर कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स, द लेटर आई वॉज द सिम्बॉल फॉर सिम्बॉल यूज फॉर फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉर एंड फाइव एंड वी फॉर फाइव एंड एक्स फॉर 10। अभी यहाँ पे टीचर क्या गीता को जवाब देती कि पुराने ज़माने में यूरोप में मतलब रोमन कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे हमारे A to Z लेटर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे I के लिए लेटर का इस्तेमाल करते थे, उसे नंबर के फॉर्म में इस्तेमाल करते थे। जैसे हमें I लिखना है तो I का मतलब क्या होता है, नंबर वन। अगर हमें फाइव लिखना है, वी अगर हमें फाइव लिखना है तो वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है फाइव। अगर हमें टेन लिखना है तो टेन का मतलब होता है, तो हम, तो उसके लिए हम एक्स लेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें आई हम नंबर न्यूमरल वन के, नंबर वन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वी हम नंबर फाइव, और एक्स हम नंबर टेन। तो आज हम न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ने जाएंगे, रोमन न्यूमरल्स हमें कैसे लिखना है। इन दिस मैटर देयर वाज नो सिंबल फॉर जीरो, अभी ये रोमन न्यूमरल्स में कोई जीरो का सिंबल नहीं है, जैसे हमारे 1 to 100 में इंटरनेशनल नंबर में जीरो आते, तो इसमें रोमन न्यूमरल्स में जीरो बिल्कुल नहीं रहेगा। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ सिम्बॉल डिड नॉट चेंज विथ इट्स प्लेस, मतलब ऑल्सो भी ये जो वैल्यू है बिल्कुल चेंज नहीं होगी, जैसे 10, 20, 30 होते हैं उसमें जीरो नहीं रहेगा रोमन न्यूमरल्स में। देर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग नंबर यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स, अभी यहाँ पे कुछ रूल्स है रोमन नंबर्स लिखने के लिए। लेट अस सी हाउ टू राइट 1 to 20 यूजिंग दिस रूल एज सिंबल ऑफ I, V and X। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर हमें रोमन न्यूमरल्स लिखना है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हमें 1 to 20 रोमन न्यूमरल्स लिखना है तो हमें कैसे लिखना होगा, हमें किस सिंबल का इस्तेमाल करना होगा, लेटर I, V और X का। अभी रूल नंबर क्या है हम देखेंगे, इधर ऑफ द सिंबल आई और एक्स इज रिटन कंसेक्यूटिवली 2-3 times देयर सम टोटल इज द नंबर दे मेक। अभी यहाँ पे अगर एक्स और आई 2-3 times रिटर्न हो रहा है तो उसे हम एडिशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 2i आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 + 1 = 2, 2x दिख रहा है। अभी x की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 + 10 = 20, और i की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे 1 + 1 + 1 = 3। तो यहाँ पे ये जो है लेटर i और लेटर x 2 or 3 times रिपीट हो सकता है, लेकिन लेटर v 2-3 times रिपीट नहीं हो सकता, वो रॉन्ग मेथड हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, रूल नंबर 1, लेटर i x और 2 or 3 times रिपीट हो सकता है।
रूल नंबर टू, सिंबल ऑफ आई और एक्स कैन बी रिपीटेड कॉन्सिक्यूटिवली फॉर मैक्सिमम ऑफ थ्री टाइम्स। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिंबल आई और एक्स ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन बार रिपीट हो सकता है, उससे ज़्यादा रिपीट होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। न्यूमरल वी इज नेवर रिपीटेड कॉन्सिक्यूटिवली। अभी न्यूमरल जो वी है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। जैसे लेटर आई और एक्स दो या तीन बार रिपीट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, दो या तीन बार की लिमिटेशन थ्री टाइम्स है, तीन बार तक रिपीट हो सकता है, लेकिन जो न्यूमरल वी है वो कभी रिपीट नहीं होने वाला है। रूल नंबर थ्री, वैन इधर आई और वी इज़ रिटर्न ऑन द राइट ऑफ द सिम्बॉल ऑफ द बिगर इट इज वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिगर नंबर। अभी यहाँ पे क्या रूल नंबर थ्री दे रहा है, अगर यहाँ पे विद इधर वैन इधर आई रिटर्न ऑन द राइट साइड, अगर आई और वी राइट साइड पे लिखा है, राइट साइड पे दिया गया है, आप देख सकते हो जैसे ये राइट और ये लेफ्ट हो गया, राइट साइड पे लिखा है तो ये नंबर है, इट्स रिटर्न ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल, इट्स वैल्यू इज एडेड टू द इस वैल्यू एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिगर नंबर, वो किससे ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आई और वी अगर राइट साइड पे लिखा है, अगर आई वी राइट साइड पे लिखा है तो ये जो नंबर है वो उससे बिगर नंबर से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आई कौन से राइट साइड में लिखा है तो ये बिगर नंबर से ऐड हो जाएगा, मतलब 5 + 1 = 6। यहाँ पे आप देख सकते हो वी और यहाँ पे 2 times आई दिया है तो 5 + 2 = 7। यहाँ पे आप देख सकते हो वी और 3 times आई लिखा है तो 5 + 3 = 8। यहाँ पे आप देख सकते हो x + 1 x का आई 1 time लिखा है तो 10 + 1 = 11। यहाँ पे x 1 time है, आई 2 times है तो मतलब 10 + 2 = 12। यहाँ पे x 1 time है और आई कितने टाइम से 3 times है और तो 10 + 3 = 13। यहाँ पे आप देख सकते हो x x और v इसका मतलब क्या है, 10 + 5 = 15। x n प्लस 6 10 + 5 = 16। अब यहाँ पे रूल नंबर 4 देखेंगे, व्हेन आई इज रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड, आई इज रिटर्न ऑन द व्हेन आई इज रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एफ एंड एक्स देन दिस वैल्यू सेपरेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ वी एंड एक्स। अभी यहाँ पे आपने देखा ऊपर में लेटर आई ये राइट साइड में राइट साइड में क्या हो रहा था, अगर राइट साइड में लिखा था तो हम उसे एडिशन कर रहे थे, अभी यहाँ पे उल्टा हो गया। रूल नंबर 5 में अगर लेटर आई अगर आपका लेफ्ट साइड में लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो किससे सब्ट्रैक्शन होगा, हावर सिंबल इज नॉट रिटन मोर देन वंस बिफोर व्हेन आई इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एक्स देन इज वैल्यू सेपरेट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिफ्थ एंड वी और एक्स, हावर द सिंबल आई इज नॉट रिटन मोर देन वंस बिफोर एक्स बिफोर वी और एक्स, मतलब आई दो या तीन बार से ज़्यादा लिख नहीं सकते हम। यहाँ पे आई और वी 5 - 1 = 4, आई और एक्स दिया है तो 10 - 1 = 9, बट द नंबर 8 नॉट रिटर्न एज 2i और x, इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते। वी हैड टू थिंक अ लिटिल डिफरेंटली टू राइट नंबर 10, 14 और 19। तो इसे हमें कैसे लिखना है हम देखेंगे, 14 = 10 + 1 = 1 ऐसे लिखना है। हाउएवर डू नॉट यूज़ द सिंबल i कॉन्सिक्यूटिवली मोर देन 3 times। अभी जैसे i को 2 या 3 times से ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, वी शॉल थिंक द नंबर 14 as 10 इंस्टेड देन यूजिंग द सिंबल i v फॉर 4 वी राइट 14 लाइक दिस एक्स आई वी। ये सिमिलरली वी शॉल थिंक ऑफ द नंबर 19 as 10 + 9 एंड राइट एस एक्स आई एक्स, इसे हम ऐसे लिखना है कि आपने देखा कि कैसे करना है इसे। Thus to write the number form 1 to 10 in Roman numerals, you first distribute to a given number into group of 10, 5, 1. Then apply the rules given below. अभी अगर वाकई हमें 1 to 10, 20 रोमन न्यूमरल्स लिखना है तो हमें किस किस लेटर का इस्तेमाल करना है, लेटर आई लेटर वी और एक्स,
इन तीनों लेटर को हमें हमारे हमारे जहन में रखना है, हमारे माइंड में रखना है कि इन तीनों लेटर से मिलके हमें रोमन न्यूमरल्स बनाना है। अभी अगर अभी 12 बनाया तो हमें कैसे बनाना है, 12 10 प्लस 1 प्लस प्लस 1 एक्स और 2 टाइम्स आई। अभी हमें 7 लिखना है तो सबसे पहले हम ब्रेकअप करेंगे, 5 प्लस 1 प्लस 1 1 वी 2 टाइम्स आई। 18 लिखना है तो 10 प्लस 5 प्लस 3 एक्स और वी 3 टाइम्स आई। इसके कुछ हमारे रूल्स दिए हैं, उसे हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हमें लिखना है। यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम सेट है हम देखेंगे, प्रॉब्लम सेट में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अभी यहाँ पे जो टीचर्स है आपकी सारी एक्सरसाइज करा के आपको नोटबुक में आपको कराने वाली है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स, इंटरनेशनल वी वी ये सारे हमें इंटरनेशनल न्यूमरल्स का इस्तेमाल करना है। फिर इन द एम्प्टी बॉक्स हमें सारे नंबर्स लिखने हैं, राइट द नंबर यूजिंग न्यूमरल्स, ये सब सारे हमें करने हैं। हमारा फिफ्थ बॉक्स क्या है, इन द टेबल बिलो ईच नंबर इज रिटन इन द इंटरनेशनल एंड अगेन इन रोमन न्यूमरल्स, इफ इट इज रिटन करेक्ट इन न्यूमरल्स एंड पुट अ टिक इन द बॉक्स ऑर्डर, इफ नॉट एंड पुट अ टिक रॉन्ग करेक्ट इट। ये सब सारे सम आपको टीचर नोटबुक में करवाने वाली है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी हमें थ्री थ्री रोमन न्यूमरल्स में हमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। और नंबर 8 को हमें कैसे लिखना है पूरा, सिक्स। और हमें 12 को कैसे लिखना है, फिफ्टीन। हमें कैसे लिखना है, नाइन्टीन हमें ऐसे लिखना है, राइट द नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, रोमन अभी न्यूमरल्स का हमें कैसे इस्तेमाल करना है। नंबर 9 को हमें कैसे लिखना है, ऐसे एक्स और आई का इस्तेमाल करना है। नंबर 4 के लिए हमें आई और वी का इस्तेमाल करना है। नंबर 2 के लिए 2 आईस। 11 के लिए हमें एक्स और 1 टाइम आई। सेवनटीन के लिए हमें, 18 के लिए हमें 1 टाइम एक्स वी और 3 टाइम्स आई, ऐसे हमें लिखना है।
वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न न्यू लेसन चैप्टर नंबर 1 रोमन न्यूमरल्स इन क्लास 5। तो आज हम क्लास 5 में मैथ्स चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रोमन न्यूमरल्स। तो आज हम प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द नंबर्स फॉर्म 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो यहाँ पे हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें रोमन न्यूमरल्स करने के लिए, लिखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल नंबर्स लिखेंगे। हमारे इंटरनेशनल नंबर्स कैसे होते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे। इंटरनेशनल नंबर्स हमारे कैसे, जो हम पढ़ते हैं 1 to 100, ऐसे बहुत सारी हम थाउजेंड तक नंबर्स हम पढ़ते हैं। तो हमें इसे इंटरनेशनल नंबर्स को 1 to 20 में हमें लिखना है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये आपके क्या है? इंटरनेशनल नंबर्स। जैसे हम थाउजेंड तक नंबर्स पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना 500 से, वो सब क्या है? हमारे इंटरनेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल नंबर्स 1 to 20 लिखा है। अभी टीचर थाउजेंड तक, हंड्रेड तक तो नहीं लिख सकती ना, तो यहाँ पे टीचर ने 1 to 20 आपको इंटरनेशनल नंबर्स बताई है। इंटरनेशनल नंबर्स है, लेकिन हमें रोमन नंबर्स कैसे लिखना है? जैसे मैंने आपको बताया कि रोमन नंबर्स लिखने के लिए हमें रोमन न्यूमरल्स, अभी रोमन न्यूमरल्स हमें कैसे लिखना है वो आपको मैं बताऊंगी। जैसे रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए मैंने आपको बताया है कि लेटर आई वी एक्स, यूरोपियन टाइम में, पुराने ज़माने में ये सब लेटर्स का इस्तेमाल करके रोमन नंबर्स लिखा जाते थे। तो यहाँ पे रोमन नंबर्स अगर हमें लिखना है तो लेटर आई वी और एक्स का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैंने आपको बोला लेटर आई और लेटर एक्स हम 2 or 3 times हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेटर वी उसे हम 1 time ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसे नंबर 1 को हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम लेटर आई का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम नंबर 2 लिखना है तो इसके लिए लेटर आई हम 2 times का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि लेटर आई और लेटर एक्स हम 2-3 times इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-3 times हम लिख सकते हैं। लेटर आई और लेटर एक्स हम 2 or 3 times हम लिख सकते हैं। लेकिन लेटर वी को हम ओनली 1 time ही लिख सकते हैं, उसे हम बार बार नहीं लिख सकते। ये हमारा रोमन नंबर्स के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा। अब ये नंबर 3 लिखना है तो नंबर 3 के लिए हम आई को हम 3 times लिख सकते हैं। और यहाँ पे नंबर 4 लिखना है तो नंबर 4 के लिए सबसे पहले हमें आई 1 time लिखना है और वी 1 time। तो ये हमारा 4 बन जाएगा। अभी यहाँ पे नंबर फाइव हमें लिखना है तो वी हमें 1 time लिखना है। अभी यहाँ पे हमें न्यूमरल 6 लिखना है, उसे रोमन नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हमें 1 time और आई 1 time। अभी यहाँ पे आप नंबर 7 देख सकते हैं, उसे हम न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी 1 time और आई 2 time। तो ये हमारा न्यूमरल 7 हो गया। अभी यहाँ पे नंबर 8 देख सकते हो, इसे 8 को हमें कैसा लिखना है? लेटर वी 1 time और लेटर आई 3 times, इस तरह हमें लिखना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमरल नाइन को हमें कैसे लिखना है? न्यूमरल 9 के लिए हम वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूमरल एक्स, लेटर आई
और एक्स का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा क्या बन गया, नाइन, न्यूमरल नाइन बन गया। अभी हमें टेन लिखना है, टेन के लिए हमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ओनली सिंगल एक्स, समझे। अभी हमें इलेवन लिखना है, तो इलेवन हम कैसे लिखेंगे, इलेवन के लिए हम सिंगल एक्स और वन टाइम आई, और इसे हम ज्वाइन कर देंगे। हाँ अभी हमें नंबर टू, न्यूमरल टूवेल्व लिखना है, नंबर न्यूमरल टूवेल्व लिखना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, वन टाइम एक्स और टू टाइम आई, ये हो गया। और अभी हमें नंबर थर्टीन लिखना है, नंबर थर्टीन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्स वन टाइम और आई, लेटर आई थ्री टाइम्स, ये हमारा न्यूमरल थर्टीन हो गया। आप देख सकते हो इसे नॉर्मल नंबर्स में हमें कैसे कैसे कन्वर्ट किया है। और नंबर हमें फोर्टीन लिखना है, फोर्टीन लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लेटर एक्स और आई, लेटर आई और वी का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमें फिफ्टीन लिखना है, फिफ्टीन लिखने के लिए हम लेटर एक्स और वी वन टाइम, लेटर एक्स वन टाइम, लेटर वी वन टाइम। अभी हमें सिक्सटीन लिखना है, सिक्सटीन लिखने के लिए लेटर एक्स वन टाइम, लेटर वी, लेटर आई। अभी हमें सेवेंटीन लिखना है, सेवेंटीन के लिए लेटर एक्स वन टाइम, लेटर ई वन टाइम और लेटर आई टू टाइम, ये हमारा क्या बन गया, सेवेंटीन। लेटर एक्स वन टाइम, लेटर वी वन टाइम, अब हमें एटीन लिखना है, लेटर आई थ्री टाइम, अभी हमें नाइनटीन लिखना है, नाइनटीन के लिए हमें कैसा लिखना है, लेटर एक्स वन टाइम, लेटर आई वन टाइम, लेटर एक्स वन टाइम, ये हमारा नाइनटीन बन गया। अभी हमें न्यूमरल ट्वेंटी लिखना है, न्यूमरल ट्वेंटी के लिए हमें एक्स वन टाइम, एक्स टू टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमरल रोमन नंबर्स में एक्स और आई टू या थ्री टाइम्स हम लिख सकते हैं, रोमन नंबर में हम लेटर आई और एक्स को हम दो या तीन बार हम लिख सकते हैं, लेकिन लेटर वी को हम वन ही टाइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट किया अच्छे इस तरह से, चैप्टर वन का क्लास फाइव में चैप्टर वन हमने रोमन न्यूमरल्स स्टार्ट किया है, प्रॉब्लम सेट का हमने क्वेश्चन नंबर वन हमने अच्छी तरह से सॉल्व किया है। वेलकम टू स्मार्ट किड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर टू पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स टेक्स्ट बुक में। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स, अभी यहाँ पे रोमन नंबर्स दिए गए हैं, इसे हमें इंटरनेशनल नंबर का इस्तेमाल करना है। इंटरनेशनल नंबर क्या है आपके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अभी यहाँ पे लेटर वी है, लेटर वी के लिए हमें क्या लिखना है, नंबर फाइव। अब यहाँ पे लेटर वी है और टू टाइम्स आई है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर सेवन है। और यहाँ पे सिंगल एक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये न्यूमरल टेन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर एक्स है और आई थ्री टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर थर्टीन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर एक्स वन टाइम है और लेटर आई वन टाइम है, लेटर वी वन टाइम है, तो ये कौन सा नंबर है, फोर्टीन। यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर एक्स क्या है, वन टाइम, और लेटर वी वन टाइम है और लेटर आई वन टाइम है, इसका मतलब क्या है, ये लेटर सिक्सटीन है। यहाँ पे लेटर एक्स वन टाइम, लेटर वी वन टाइम, लेटर आई थ्री टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूमरल क्या है, एटीन है।
ये लेटर आई वन टाइम, लेटर एक्स वन टाइम, ये कौन सा न्यूमरल है? न्यूमरल 9 है। तो आपने देखा कि हमें रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखना है, रोमन नंबर्स यहाँ पे दिए, उसे इंटरनेशनल फॉर्म में कैसे लिखना है। तो आई होप आपको ये मेरा लेसन ज़रूर पसंद आ गया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस नंबर्स और रोमन न्यूमरल्स लिखे हैं। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स आप देख सकते हो 3 है, 3 लिखा हुआ है, इसे नंबर्स फॉर्म में हमें कैसे लिखना है? नंबर नेम 3 लिखना है, तो यहाँ पे नंबर 8 लिखा है, तो इसे हम रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे? लेटर वी और 3 टाइम्स आई। अब यहाँ पे आप रोमन नंबर क्या देख सकते हो, ये कौन सा नंबर है? वी, अगर सिंगल आई रहा तो इसका मतलब क्या होता है? 6, तो हम 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको कौन सा रोमन नंबर दिखाई दे रहा है? एक्स और 2 टाइम्स आई, ये इसका मतलब क्या होता है? 12, मतलब ये नंबर्स 12 है। अभी यहाँ पे 15 है, इसे हमें रोमन नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो हमें कैसा लिखेंगे? एक्स और 5, 15। यहाँ पे आप देख सकते हो रोमन नंबर नंबर्स एक्स 1 टाइम है और 1 टाइम आई है और एक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये कौन सा नंबर है? 19 नंबर है। कौन सा नंबर है? 19। हमने देखा 19 में x 1 टाइम होता है, i 1 टाइम, x यहाँ पे होता है, तो हमें 19 कैसे लिखना है हम देखेंगे। राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। आपको रोमन न्यूमरल्स लिखना है, यहाँ पे देखो इंटरनेशनल नंबर्स दिए गए हैं 9, 2, 17, 4, 11 और 18। तो 9 को हमें कैसे लिखना है, आपको मैंने बताया वो i 1 टाइम लिखना है और x 1 टाइम, कि आपका 9 बन गया। और नंबर 2 हमें हमें कैसे लिखना है? आई को 2 टाइम्स लिखना है, लेटर आई को 2 टाइम्स लिखना है। अगर हमें 17 लिखना है, 17 लिखने के लिए एक्स 1 टाइम, वी 1 टाइम और 2 टाइम्स हमें आई लिखना है। ऐसे लिखना है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बता दूँ, एक्स 1 टाइम, वी 1 टाइम, 2 टाइम्स आई। अब 4 को हमें कैसे लिखना है? वी 1 टाइम, अ लेटर आई 1 टाइम, तो ये आपका नंबर 4 बन गया। 11 हमें कैसे लिखना है? 11 के लिए हमें एक्स 1 टाइम और आई 1 टाइम, ये आपका क्या बन गया? 11, ये आपका 11 बन गया। और नंबर 18 आपको कैसे लिखना है? एक्स 1 टाइम, वी 1 टाइम, लेटर आई आपको 3 टाइम्स लिखना है, ये आपका 18 बन गया। तो आपने देखा कि कैसे आपने हमें रोमन नंबर्स हमने कैसे लिखा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द टेबल बिलो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, सारे नंबर्स को हमने कंप्लीट किया।
क्वेश्चन 5 हम रीड करेंगे। इन द टेबल बिलो इज गिवन नंबर इन रिटर्न इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमरल्स। इफ इट इज रिटर्न करेक्टली इन रोमन न्यूमरल्स पुट अ टिक इन द बॉक्स एंड अंडर इट पुट अ रॉन्ग एंड करेक्ट इट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेशनल नंबर्स, आप देख सकते हो 4 है, 6 है, 8 है, 16 है, जैसे 1 to 1000 तक और 100, 1 to 2000 तक इंटरनेशनल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स भी दिए हैं तो इसे हमें करेक्ट करना है। अगर सही है तो हमें राइट करना है, अगर रॉन्ग है तो उसका हमें रीज़न लिखना है कि क्यों रॉन्ग नहीं है। तो अभी यहाँ पे नंबर 4 देख सकते हो, यहाँ पे लेटर आई यहाँ पे दिए, तो ये क्या है, रॉन्ग है। अभी ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग आएगा, 3-4 टाइम्स आई दिया गया है रॉन्ग, बिकॉज हमारा हमारा नंबर 4 जो है वो न्यूमरल्स फॉर्म में कैसे होता है, ऐसे होता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 6 और 6 है, ये करेक्ट है, इसका कोई भी रीज़न नहीं है हमारा, इसे हम राइट देंगे, इसका कोई भी रीज़न नहीं है। और यहाँ पे नंबर 8 देख सकते हो, इसमें रोमन नंबर्स कैसा लिखा है, 2 times आई और एक्स 1 time, तो ये हमारा जो पैटर्न है वो रॉन्ग जाएगा, बिकॉज 8 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, ये हमारा रॉन्ग जाएगा, हमें 8 नीचे लिख के बताना है। 16 आप देख सकते हो, 16 के लिए एक्स 1 time दिया, वी 1 time, आई 1 time, ये आपका करेक्ट है, बिकॉज ये करेक्ट है, इसका कोई भी रीजन नहीं है। अब यहाँ पे आप 15 देख सकते हो, 15 के लिए भी 3 times दिया, ये रॉन्ग है, क्योंकि 15 अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक्स 1 time और 5 v 1 time, ये हमारा 15 बन गया। आपने देखा कैसा लिखा 15 हमने, एक्स 1 time वी 1 time, ऐसे तरीके से हमने ये कंप्लीट किया है। तो आप, आई होप आपको रोमन नंबर्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।